हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सेकेंड ईयर की फार्मेसी का जो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी है उसमें 79 चैप्टर कराने जा रहे हैं। कीमोथेरेपी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जिससे सेक्स से आती है लेडीज से जेंट्स को, और इस तरह से जो सेक्स करने से आ रही है उसको हम एसटीडी कहते हैं, जिसे बेनिग्न डिजीज कहा जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज मीन एसटीडी। एसटीडी मीन बेनिग्न डिजीज, जिसके आगे हम एड्स कहते हैं, एचआईवी पॉजिटिव कहते हैं। किस इसी में डिजीज में आता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज जो है, और दो विच आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअली कॉन्टैक्ट। जो सेक्स करने के कॉन्टैक्ट में जब आती हैं लेडीज जेंट्स, उसको जो डिजीज होती है। दीज डिजीज इंक्लूड सेफिलस, गोनोरे, नॉन गोनोको एंड यूरिथ्राइटिस एंड वेनस एंड ग्रेनुलोमा इग्नोनाइट। और ये जो डिजीज होती है ये सेक्स करने से होती है, जिसमें प्रोकेन पेंसिलिन 6 लाख यूनिट डेली फॉर 10 डेज के लिए दिया जाता है। इट एक्सटेंड फॉर ए पीरियड ऑफ 4 इयर्स। इट एक्सरसाइज ट्रीटमेंट इज एज फॉलो। और जो वहां है PAM 6 लाख यूनिट जो है हम देते हैं वंस इन 2 डे फॉर 12 डे। और उसके वेलोथाइन पेंसिलिन जो है 24 मेगा यूनिट एज ए सिंगल डोज के रूप में हम देते हैं। गलौरिया में हम जो है इसको ट्रीटमेंट एक्यूट जो करते हैं उसमें पेंसिलिन जी देते हैं 4.8 मेगा यूनिट विद 1 ग्राम पे। तो एम्पिसिलिन भी दी जाती है इसमें 3.5 ग्राम एंड 1 ग्राम ऑफ एंड अमोक्सिसिलिन 3.5 ग्राम। और उसके बाद प्रोकेन पेंसिलिन ट्रीटमेंट ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ गोनोरिया। अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो जाते हैं तो उसमें हम प्रोकेन पेंसिलिन 2 मेगा यूनिट डेली फॉर 8 to 10 डेज। और टेट्रासाइक्लिन भी 0.5 फोर टाइम 7 to 10 डेज। और इसी तरह नॉन गोनोकोकल में दी जाती हैं ड्रग्स जो टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम 4 टाइम्स ए डे फॉर 2 वीक्स एंड डॉक्सीसाइक्लिन 200 मिलीग्राम इनिशियली फॉलोड बाय 100 मिलीग्राम एवरी 24 आवर्स फॉर 2 वीक। इसी तरह एड्स जो होता है, एड्स मीन्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये जो इज कॉज्ड बाय टेट्रोवायरस कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसे HIV कहते हैं। इट इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। इंटरकोर्स करने के बाद होता है सेक्सुअल, और कंटेमिनेटेड नीडल जो सिरिंज लगती है, नीडल लगती है वो कंटेमिनेटेड हो उससे होता है, तो सिरिंज से होता है बाय ब्लड ट्रांसमिशन। अगर खून एक दूसरे को दिया जाए उससे भी हो जाता है। इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड फॉर द मदर टू फर्टेस्टेड, मदर से बच्चे को भी ये ट्रांसफर हो जाती है बीमारी। तो इस तरह से डेथ इज सर्टन एंड देयर इज नो क्यूर फॉर इट। तो एजिडो थायमाडाइन देते हैं, डेडेड साइंस एंड एफबारे और सेक्यूनी वायरस नाम के हम जो ड्रग्स हैं इसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा आता है कीमोथेरेपी ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड इंक्लोज्ड इन ए शेल ऑफ ए प्रोटीन्स। इट डज नॉट हैव ए सेल वॉल और एंजाइम्स। तो एज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया मींस ये जो बीमारी होती है हमारी एंटीबायोटिक की, उसमें इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट होते हैं। तो
निर्भर रहते हैं, और क्योंकि ये जो एंटीवायरल हैं बहु कोशिकाओं के अंदर ही होता है, तो इस तरह से ये जो डीएनए कंटेनिंग वायरस और आरएनए कंटेनिंग वायरस, द वायरस आर इंटीमेटली पैरासाइटिक टू द होस्ट सेल, सो एंड एंटीवायरल ड्रग्स लाइकली टू प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द होस्ट सेल आल्सो। इसमें जो क्लासिफिकेशन दी गई है हम जो ड्रग्स यूज करते हैं एंटीवायरल के लिए, तो सिंथेटिक एंटीवायरल एजेंट्स आयरोक्सीडाइड्स एंड थायोसेमी कार्बाजोन्स एंड एमेनिडाइड्स एंड रेपेटिव वायरस, और नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं इंटरफेरन गामा ग्लोबुलिन, इस तरह से जो ड्रग्स हैं इसके लिए हम देते हैं। तो इसमें जैसे आपने एमेंटाडाइन्स, एमेंटाडाइन्स को है ये भी एक अच्छी एंटीबायोटिक ड्रग्स है, ये वायरस को मानव शरीर से मुक्त करने को रोकती है और एंटीवायरल के रूप में कार्य करती है। ये रूट्स जो है इसमें हम मुंह के थ्रू टेबलेट्स लेते हैं, तो ड्रग्स जो है 200 मिलीग्राम अडल्ट के लिए प्रति दिन एक खुराक में या दो बार विभाजित मात्रा में 7 दिन तक लेती हैं। बच्चों में ये 1 से 9 वर्ष तक के बच्चों को 4 मिलीग्राम से 8 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम तक रोजाना 5 दिन तक देते हैं। इसमें जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं हमें तो ड्रग लेने में वो इस तरह से है, जिसे हम साइड इफेक्ट कहते हैं, डेजीनेस, चक्कर आना, तो कंफ्यूजन, भ्रम पैदा हो गया, और उसके बाद टखनों में सूजन, ये जो घुटने में सूजन उल्टी आना, तो भूख का ना लगना, ये इसके साइड इफेक्ट है। तो उसी तरह से ये जो क्राइम्स और ड्रग्स है ये भी एंटी वायरल के लिए यूज होती है, ये भी अपेक्षा अधिक समय तक प्रभावी रहती है और रोगी इसे अच्छी तरह सहन कर लेता है। ये ओरल रूट के द्वारा इस मेडिसिन को दिया जाता है और डोज जो है 100 मिलीग्राम एक बार प्रतिदिन उपचार, तो 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार प्रतिदिन देते हैं। मार्केट में ये फ्लूमेन टाइम्स 100 मिलीग्राम नाम की टेबलेट आती है, सो इसको हम देते हैं। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है ये खत्म हुआ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक आपको हम कराएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।